अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अधूरी किताबें पढ़कर जानकारी प्राप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा वीर सावरकर और आरएसएस को देश की आज़ादी में भाग लेने की बात तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समुदाय विशेष के वोट बैंक के लिए हिंदू राष्ट्र की बात नहीं स्वीकार कर रहे। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा वीर सावरकर को लेकर कई टिप्पणियां की गई और पाठ्यक्रम में भी कई बदलाव किए गए, लेकिन अब वह स्वीकार कर रहे हैं कि वीर सावरकर ने आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई और आरएसएस भी उसमें शामिल थी, लेकिन वह अधूरी जानकारी रखते हैं और अगर वह सही से अध्ययन करे तो यह भी जान पाएंगे कि केवल कांग्रेस ही नहीं आरएसएस ने भी अपनी जिम्मेदारी आज़ादी में बखूबी निभाई और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आज भी चरितार्थ की जा सकती है। कांग्रेस प्रारंभ से ही, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन हो चाहे दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे हों, इस पर अल्पसंख्यकों को खुश कर रखने के हिसाब से तुष्टीकरण के कारण और वोटों की राजनीति के कारण तथ्यों से दूर भागती रही है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने इस नए शिक्षण क्षेत्र के अंदर वीर सावरकर के बारे में कुछ टिप्पणियाँ पहले भी की थी और फिर पुस्तकों में भी उसके अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया कि मैं वीर सावरकर को वीर नहीं मानता हूँ, क्रांतिकारी नहीं मानता हूँ, कई बातें उन्होंने कही, उन्होंने माफ़ी मांगी, इस प्रकार कई बातें कहते रहे, लेकिन मुझे ध्यान है सत्य सत्य ही रहता है। अब उनकी अंतरात्मा जगी और अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने स्वीकार किया कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस समय हिंदू राष्ट्र की जो बात उन्होंने कही थी उस समय अनुकूल वो सही थी। मैं समझता हूँ ये अंतरात्मा की उनकी आवाज़ होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे मन से स्वीकार नहीं किया कि वीर सावरकर ऐसे वीर थे जो कांग्रेस के पूरे वंशज उनकी पूरी पीढ़ी में आज तक पैदा नहीं हुए। जिस प्रकार उनको जब फ्रांस से लाया जा रहा था समुद्र में कूद गए और समुद्र कूद करके उन्होंने उसके तैराक से मीलों तैर करके वो लोग आए, इस प्रकार के काल कोठड़ी में रहे, इस प्रकार की वीरता के साथ अपमान करना शायद उनका स्वभाव रहा है। लेकिन अभी भी जो कुछ कहा है मैं समझता हूँ कि वह अध कचरा है, उनको ज्ञान उनका अधूरा है। यदि पूरा पढ़ते तो शायद हिंदुत्व के बारे में सही व्याख्या करते, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ समय पहले इस हिंदुत्व के बारे में पूरा एक वर्जन दिया है कि हिंदुत्व या हिंदुज़्म या हिंदुस्तान केवल एक संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। जिस प्रकार यह जीवन जीने की शैली स्वीकार कर लेंगे फिर शायद किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस चूँकि मुसलमानों के उनको वोट चाहिए इसलिए इस विषय पर चुप रहते हैं, जबकि मुझे आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जी यदि पूरी तरह किताब पढ़ें, पुस्तकों का अध्ययन करें, तो उनका अंतरात्मा और जगेगी और शायद एक दिन वो स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो उस समय का तत्कालीन नेतृत्व था उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। जो आजकल जगह जगह कोसते हैं कि आंदोलन आज़ादी के आंदोलन के समय कहाँ थे, जैसे कुछ सब कुछ कांग्रेस ने दिलाया, उस समय भी कई संस्थाओं ने, राष्ट्रवादी संगठनों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को भी त्याग किया, समस्याएं भी सही, जेलों में भी गए। तो वही स्थिति आज नहीं, मुझे लगता है कुछ समय के बाद वह भी इसको स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।